विंटर स्पेशल सूजी का हलवा हमने डाल दिया है। अब हम इसमें गोंद पहले ये फ्राई कर लेंगे अच्छे से। हम इसे देखिए फ्राई करके निकाल लेंगे इस तरह से। गोंद हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इसी घी में देखिए हम किशमिश, काजू और हमारे बादाम ये सब भी अच्छे से इसे जो है इसे भून लेंगे और अच्छे से निकाल लेंगे फ्राई करके। इसे भी तिल, सूखा खोपरा और चार मगज इसे भी हम इसे इस तरह से हल्का सा रोस्ट करके इसे भी निकाल लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इसे भी। गोंद देखिए गुड़ को हमने पानी में भिगो के रखा है। अब हम इसकी जो है चाशनी बना के रख देंगे। पहले गुड़ देखिए हमने पकने के लिए रख दिया है को हम इसमें अच्छी तरह से देखिए भून लेंगे घी के साथ में। अच्छे से हम रवे को भून लेंगे बिल्कुल अच्छे से, इस तरह से भूनना है इसे। मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे वरना रवा हमारा जल सकता है, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा बहुत ही अच्छी तरह से घी में भुना जा चुका है। अब हम इसमें जो है हमारा जो गुड़ का पानी है हमने चाशनी बना के रखी थी ये हम इसमें ऐड करेंगे। एक कप हमने देखिए ये हमने डाल दिया है और हम डालेंगे साथ ही में ज़ाफ़रान वाला देखिए एक कप दूध ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे अच्छे से देखिए। और हम इसमें अब डालेंगे हमने जो गोंद फ्राई करके रखे थे हमने गोंद ऐड करना है। ड्राई फ्रूट्स ये हमने ऐड करने हैं और मगज, तिल और सूखा खोपरा जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था ये भी हमने इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से देखिए सभी को हमें जो है मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब हमें इसे जो है कवर लगा के तकरीबन 3-4 मिनटों के लिए स्लो फ्लेम पे रखना होगा ताकि हमारा जो रवा है अच्छी तरह से जो है ये पक जाए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी ये विंटर स्पेशल हलवा है। कवर हमने लगा लिया है, 2-3 मिनटों तक हम इसे स्लो फ्लेम तक अच्छी तरह से पकने देंगे। माशाल्लाह परफेक्टली डन, हमारा हलवा देखिए बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए ज़बरदस्त हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए हम इसे भी डिश आउट करते हैं। विंटर स्पेशल सूजी का हलवा बनके देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।